हेलो और सबका स्वागत है आपके डे सिक्स लेक्चर फाइव में। आज जो हमने लेक्चर में कवर करना है वो है अब लिथोस्फीयर शुरू करना है हमने, और मतलब लिथोस्फीयर हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, अब उसके लेयर्स हमने पढ़नी शुरू करनी है। तो शुरू करते हैं इसे आज। बेसिकली सबसे पहले जो हमने चीज करनी है वो हमने एक डिटेल्ड डायग्राम बनाना है किस तरीके से आपकी अर्थ के अंदर जितने भी इंटीरियर हैं वो अर्थ के अंदर कैसे सारी की सारी सरफेस एग्जिस्ट करती है। देखो ये मैंने अर्थ को, अगर आप अर्थ को सारा का सारा ओपन करके रखोगे, ऐसे अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज है। सबसे डेंस चीजें हमेशा सबसे नीचे होंगी, जैसे मैंने आपको कल कंसेप्ट समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो इन सारे लेयर्स को हमने ओवरऑल स्टडी करके, वो स्टडी कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, इन सबको हमने स्टडी करके इन्हें अलग अलग नाम दिया है। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है इनर कोर, जो ये वाला सर्कल सबसे छोटा सर्कल बनाया, इसी लेयर को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो अगर अर्थ का एक पूरा टुकड़ा लिया जाता, अर्थ का पूरा टुकड़ा एक ऐसा दिखता, तो यहाँ पे इसी लेयर को ऐसे भी दिखाया कि अगर अर्थ को मैं एक पाई की तरह देखूं तो वो किस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका इनर कोर, इसके बाद यहाँ पे है आपका आउटर कोर, ठीक है। ये जो लेयर है आपकी, ये है मेंटल की। देखो मेंटल के आगे मैंने और भी लेयर्स बनाई हैं, अभी मैं इन सबको नाम दूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस एक सिंगल डायग्राम के अंदर हम ऐसी बहुत सारी डिटेल पढ़ जाएंगे जिससे हम एक सारा ब्रीफ आउटलुक हमें मिल जाएगा कि हाँ अर्थ कैसी दिखती है। तो अर्थ एक सिंगल कॉम्पोनेंट से नहीं बनी हुई, अर्थ सारी की सारी होमोजिनस नहीं है, अर्थ आपकी एक हेट्रोजिनस बॉडी है, जिसका मतलब है ये अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है। इसी कारण आपकी ये अलग अलग लेयर्स में एग्जिस्ट करती है, और ये लेयर्स भी अपने आप में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर मैं इनर कोर की बात करूं, देखो इनर कोर अगर आप यहां तक जाओगे, ये लेयर बिल्कुल सॉलिड पड़ी है। ये क्यों सॉलिड है, कौन सी किस फॉर्म में है, वो मैं आपको शॉर्टली उसमें भी समय फर्क समझाऊंगा। जो आउटर कोर है यही, मतलब क्योंकि ये डिफरेंट है, ये लिक्विड में है। ये क्यों लिक्विड में है ये भी मैं आपको शॉर्टली इसका फर्क बताऊंगा। इसके बाद बात करूं आपकी, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, सॉरी अभी इनके नाम नहीं लिखे, ठीक है, उनके नाम भी लिख देता हूं। मैं सबसे पहले ये फिल करने लग गया हूँ, फिर मैं एक साथ सारी आपको डिटेल ओवरव्यू दूंगा। अभी तो एक तरह से हम इस डायग्राम को फिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड सॉलिड। अब बेसिकली आपकी मेंटल के अलग अलग लेयर्स का मैं आपको नाम बताऊं, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे स्टडी करना है। आपकी मेंटल की अलग अलग लेयर्स का नाम जो है, सबसे अंदर आती है इनर मेंटल। इनर मेंटल के ऊपर देखो, ये क्रस्ट वो एरिया है जहां पे आप और मैं रहते हैं, इस क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, समुंदर भी यहीं पे है, पहाड़ भी यहीं पे, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एरिया आपका यहाँ पे पड़ता है, तो ये अर्थ के जितनी अंदर अंदर, तो इससे थोड़ी सी बाहर को आते हुए आपका पड़ेगा इंटरमीडिएट मेंटल। इसके बाद ये देखो, ये जो प्लास्टिक वाली लेयर यहाँ पे बनाई है, ये वाली लेयर आपकी पड़ जाती है, इस लेयर का नाम हम लिखते हैं एस्टिनोस्फीयर। इसके आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस आने वाली है, इसी के ऊपर आपकी अर्थ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल लेयर के कारण बदल जाती हैं। हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। और लास्ट है आपकी अपर मेंटल, ठीक है, ये सबके पीछे इनर मेंटल, इंटरमीडिएट मेंटल और अपर मेंटल, ये तीनों के पीछे मेंटल नाम अपने आप आएगा। अब इनकी अगर मैं डेप्थ की बात करूं कि ये अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया एक पाई की तरह मैंने अर्थ को काट के बाहर निकाला, तो ये जो पाई बनेगी यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर डेप्थ पे है, ये आपकी 150 किलोमीटर डेप्थ पे है, ये 400 किलोमीटर डेप्थ पे है, ये 650 किलोमीटर डेप्थ पे है, ये 2900 किलोमीटर डेप्थ आ गई, ये 5151 किलोमीटर डेप्थ आ गई, और अर्थ का पूरा जो रेडियस है अपने आप में 6378 किलोमीटर है।
इस तरीके से ये सारी की सारी आपकी लेयर्स अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब यहां पे दो लेयर्स जो सबसे अलग दिख रही हैं, इनके बारे खासकर बात करनी जरूरी है, वो है आपकी एक आउटर कोर जिसे मैंने लिक्विड लिखा है और एक एस्टिनोस्फेयर जिसे मैंने प्लास्टिक लिखा है। अब ये सारी लेयर के बारे में बात करते हैं, ये क्यों आपकी ये लिक्विड कैसे हो सकती है और प्लास्टिक से क्या मतलब होता है। देखो, ये जो आपका सारे की सारी अर्थ की सरफेस है, अगर मैं अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट मानूं, सेंटर पॉइंट में चारों ओर से आपका पूरा वेट पड़ रहा है, सेंटर पॉइंट पे पूरा जोर पड़ रहा है। मतलब ये 3D फिगर मानो, 3D फिगर में अगर चारों ओर से जोर लग रहा है यहाँ पे, ये एक सिंगल पॉइंट ऐसा बन जाएगा जहां पे बहुत हाई प्रेशर लग रहा है, जोर लग रहा है। कल मैंने आपको एक एक्सेप्शन के केस में, लास्ट लेक्चर में एक आपको एक्सेप्शन के केस में बताया था, एक बंद बॉडी का एग्जाम्पल। मतलब अगर आप एक बॉडी को बंद करके उसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करते हो तो क्या होता है, वैसे आपके प्रेशर आम केस में आपके प्रेशर और आपके टेम्परेचर का रिलेशन जो है ये इनवर्स होता है। पर जहां पे अगर आप एक बॉडी को बंद कर दोगे, जैसे अर्थ को ऐसे पूरा बंद कर दिया और इसके ऊपर चारों ओर, क्योंकि वेट भी तो अपने आप में प्रेशर ही है, आप कहीं पे दबाव लगाते वही तो प्रेशर है। अगर आप कहीं पे जोर लगा रहे हो वो प्रेशर ही तो है, अपना वेट ही तो लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। ये जो आपका वेट है जो इस तरीके से लगाया जाता है, जब आपके इस तरीके की कंडीशन हो, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर खुद लगा रहे हो, तब आपका ये रिलेशन सीधा हो जाता है। तब यहाँ पे प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है, ये जो इनर कोर है यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर लग रहा है, सारा का सारा जोर इस पॉइंट पे आके लग रहा है। अब इस पॉइंट पे आके, मतलब अगर इसे मैं इस पूरा सर्कल मानूं, यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, चलो थोड़ा साइड पे मैंने बना दिया, यहाँ पे जो इसका सेंटर होगा अर्थ के चारों ओर से यहाँ पे आके जोर लग रहा होगा। अब अगर यहाँ पे आके इतना जोर लग रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होंगे, वही चीज है। इसी कारण जो आपका जो कोर है, खासकर जो इनर कोर है, ये बहुत गर्म हुआ होगा। पर ये गर्म, इसके टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस में है, पर आपके इनर कोर भी मिट गया, हाँ, पर ये जो इनर कोर है ये अपने आप में तब भी सॉलिड है, ये अपने आप में पिघला नहीं। इसका कारण है क्योंकि देखो, आपके मैंने डेंसिटी के मुताबिक बताया कि हर चीज ने अपने आप को ना अर्थ के अंदर अरेंज कर लिया है। उस अरेंजमेंट के कारण क्या हुआ है, जो सबसे ज्यादा डेंस चीजें हैं, सबसे ज्यादा डेंस चीजें क्या हैं, आपकी निकल और आयरन, जो आपके दोनों कोर की लेयर्स है ना, ये दोनों इससे बनी हुई है। कोर का मतलब, कोर की लेयर्स आपकी निकल और आयरन, आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe, इस कारण निफी यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। निकल और आयरन जो हैं ये इससे बनी हुई है, सबसे ज्यादा डेंस। अर्थ ने अरबों करोड़ों साल में अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया है डेंसिटी वाइज, कि जो लाइट चीजें थी, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप कंटेनर में एक में तेल डाल दो, उसके ऊपर पानी डाल दो, कुछ टाइम में तेल अपने आप ऊपर उठने लगेगा, पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि हर चीज अपने आप को डेंसिटी के मुताबिक अरेंज कर लेती है। अर्थ भी अपने आप को ऐसे ही अरेंज कर चुकी है, सबसे हैवी कंपोनेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं मिलता, ऑब्वियसली हम नहीं तो आयरन कैसे ले पाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे आयरन बाकी जगह पर मिलेगा, पर 99% जो आयरन है ना वो बिल्कुल सेंटर में, निकल और आयरन बिल्कुल सेंटर में चले गए अर्थ के। ये जो बिल्कुल सेंटर में, अब बात क्या है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि देखो, अगर यहाँ पे सारी की सारी गर्मी है, गर्मी यहां से आसपास रेडिएशन छोड़ रही होगी, ठीक है, ये आसपास ऐसे सारी रेडिएशन निकाल रही होगी, क्योंकि कोई भी गर्म चीज होती है उसके आसपास देखते हो ना कि गर्मी निकलनी शुरू होती है, वो चीज आसपास वाइब्रेशन पैदा करती है। इसका आपको एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, वो है आपका घर पे पड़ा हुआ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव किस तरीके से काम करता है, देखो माइक्रोवेव में क्या होता है कि आप कभी भी माइक्रोवेव को यूज कर रहे हो, आप कभी भी माइक्रोवेव को यूज कर रहे हो, माइक्रोवेव किस तरीके से काम करता है, माइक्रोवेव खाना कैसे गर्म कर देता है। देखो ये जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के अंदर एक मशीन लगी होती है जिसे हम कहते हैं मेगाट्रॉन। ये मेगाट्रॉन क्या करता है, माइक्रोवेव एक्चुअली आपकी वेव्स हैं, आपकी रेडिएशंस हैं।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वेव्स को आपका जहां पे भी खाना पड़ा है, ये नीचे आपका खाने का आपने बोल रखा था, ठीक है, इसके अंदर खाना पड़ा हुआ है आपका, कुछ भी है, यहाँ पे ये माइक्रोवेव्स इसके ऊपर फेंकता है। जब माइक्रोवेव्स आपके खाने के ऊपर गिरती है ना, तो बेसिकली सबसे ज्यादा खाने में जो चीज जरूरी होती है ना, वो खाने के अंदर पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो हिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स आके टकराएंगे, वो इन्हें एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी के कारण हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कंटेनर में बंद हैं, तो ये कंटेनर की दीवारों से टकरा के फिर आपस में टकराएंगे। ये टकराते टकराते, क्योंकि इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ये एक दूसरे से टकरा टकरा के ही गर्म हो जाते हैं। तो ये सारी की सारा खाना गर्म इस तरीके से होता है कि सारे पार्टिकल आपस में टकरा टकरा गर्म होते हैं। तो बेसिकली ये जो आपस में एक दूसरे को ये हीट या एनर्जी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ये साइंटिफिकली बोला जाता है कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स का मतलब होता है जब एक एटम दूसरे एटम को अपनी हीट ट्रांसफर करता जाता है, एनर्जी ट्रांसफर करता जाता है। तभी आप अगर देखोगे, कभी भी आप किसी बोल के अंदर खाना गर्म करते हो ना, एक चीज हमेशा नोटिस करना, देखो जो सबसे ऊपर एटम्स होंगे उनके पास हिलने के लिए जगह है कि ये ऊपर को भी हिल सकते हैं, पर जो सबसे नीचे जो एटम्स हैं उनके पास हिलने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि आसपास कंटेनर से बंद है और ऊपर से खाने से बंद है। तो इनके साथ क्या होगा, ऊपर से क्योंकि माइक्रोवेव टकरा रही है, ये सारे पार्टिकल नीचे 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 धक्का मार रहे हैं, पर ये जो नीचे वाले पार्टिकल है इनके पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। कई बार इसी कारण जब आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो, आपका बोल भी नीचे से सबसे ज्यादा गर्म हुआ होता है और नीचे से खाना ज्यादा गर्म हुआ होता है, ऊपर से नहीं, तभी हमें वो मिक्स करना पड़ता है। उसका मेन कारण यही है, क्योंकि उनके पास जितनी कम जगह होगी, जितना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, उतनी ज्यादा आपकी ये फ्रिक्शन पैदा होगी, ठीक है, आपके इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे उतना ही ज्यादा, अगर ये एक दूसरे से जितना टकराते जाएंगे, ये उतनी ही ज्यादा रगड़ पैदा करेंगे। तब यहाँ पे ये वेट के कारण जितनी अंदर, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो हीट बढ़ी, हीट बढ़ी तो ये सारा एरिया गर्म होने लगा, इसने भी यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स आपके बाहरली साइड को फेंकने शुरू किए, ठीक है। ये कन्वेक्शन करंट्स ऐसे बाहर की साइड को फेंकने शुरू किए। अब जब इन्होंने कन्वेक्शन करंट्स आपके बाहर की तरफ ऐसे फेंकने शुरू किए हैं, यहाँ पे सारी की सारी अर्थ की अंदर लेयर्स में गर्मी फैलती जाएगी। इस तरीके से आपकी ये गर्मी फैलनी शुरू होती है, ये सारी की सारी आपके ऐसे गर्मी फैल रही है। अब जब आपकी ये गर्मी की चारों ओर अर्थ के अंदर आपकी फैलेगी, तो होगा क्या, आपकी चारों ओर गर्मी फैल रही है, तो अब जो जो लेयर आपकी इस गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, ठीक है, जो जो लेयर आपकी इस गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, वो आपकी पिघलनी शुरू हो जाएंगी। इसमें से सबसे पहला जो विक्टम बनता है वो है आपका आउटर कोर। बेसिकली क्योंकि ये कोर से ज्यादा दूर नहीं, इस पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं है ये लेयर, ये मैंने बहुत बड़ी बनाई है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें गैप के लिए, कि कुछ भी लिखना हो बनाना हो, पर ये आपस में इतना बड़ा गैप नहीं है, तो ये सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है। देखो सेंटर में क्या है, क्योंकि आसपास इतना ज्यादा वेट भी पड़ रहा है, इस कारण इनर कोर में इतनी ज्यादा गर्मी होने के कारण ना ये पिघल नहीं पाती, ये सॉलिड है। पर जैसे जैसे मैं अर्थ, ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर मान लो, साइड पे वीडियो अगर आपको दिख रही है तो ये सेंटर पे आप मान लो, सेंटर में चारों ओर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये चारों ओर से जो प्रेशर पड़ रहा है इसके कारण ये सेंटर की लेयर बिल्कुल जकड़ी पड़ी है, ये पिघलना चाहे तब भी नहीं पिघल सकती, क्योंकि आसपास से वेट इतना ज्यादा है। पर जैसा ही इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा दूर मूव करने लगूंगा, देखो ऊपर वेट तो अभी भी बहुत ज्यादा है, सॉरी ऊपर से वेट कम हो गया क्योंकि हाइट रिड्यूस होगी ना, पर नीचे से गर्मी नहीं उतनी रिड्यूस हुई जो इस सारे प्रेशर के कारण सेंटर से पड़ रही थी, जिसके कारण कन्वेक्शन करंट्स आसपास फैल रहे थे। अब क्योंकि ये गर्मी यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुई है, इसके कारण ये आउटर कोर आपका बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारी लेयर मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, ये सारी पिघली हुई है, ये सारी लिक्विड है, बिल्कुल पिघले हुए पत्थर है। देखो यहाँ पे पत्थर पिघल के बिल्कुल, मतलब बहुत ही डेंस होंगे, क्योंकि अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी हो जहां पे आपके आयरन या किसी चीज को मेल्ट किया हो, वो लिक्विड बहुत ही डेंस होता है,
पर वो पिघला पिघल सकता होता है, तो आपका यहाँ पे सारा मेटल जो निकल जितने मेटल्स हैं ये निकल और आयरन हो गए, ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अर्थ के एक बिल्कुल सेंटर में एक ऐसे एक लेयर बन गई जिसमें आसपास ऐसे आपका सारा का सारा लिक्विड घूम रहा है। ये लिक्विड का बहुत बड़ा रोल है अर्थ में और आपको और मुझे प्रोटेक्ट करने में। अब ये कैसे प्रोटेक्ट करता है ये अभी सस्पेंस है, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा जब हम धीरे धीरे एटमॉस्फेयर और वो सारी चीजों के बारे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी नहीं है, ये वहां जाके पढ़ेंगे। अब इसके बाद इससे बियॉन्ड अगर मैं देखूं, देखो यहाँ पे आपकी मेंटल की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। देखो अब यहाँ पे आपकी ऊपर वेट कम होता जा रहा है और क्योंकि आपकी नीचे से हीट भी है, ये ना अपनी लेयर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, इसी कारण ये लेयर्स दोबारा से सॉलिड हो जाती हैं। पर ये जो आपकी इंटरमीडिएट और इनर लेयर्स है ना, देखो वेट इतना भी कम नहीं है इनके ऊपर के ये बिल्कुल जैसे हम बाहर पत्थर देखते हैं, जैसे हम सरफेस के ऊपर पत्थर देखते हैं, ये ऐसे पत्थर नहीं होते। इन पत्थरों को कहते हैं कि ये क्रिस्टल्स बन चुके हैं, क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में कैसे हैं, देखो एक चीज अगर आप नेट पे कभी सर्च करके देखना, आज यूट्यूब पे चाहे सर्च करके देखना, कहीं पे भी जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर, जो भी आपके आम पत्थर होते हैं ना, कोई भी आप आम पत्थर लो जितने भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट में मिलते हैं, अगर उन पत्थरों को बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर से निकाला जाता है ना, वो पत्थर बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे आपका कांच हो, ग्लास हो, वो ग्लास जैसे दिखने लग जाते हैं। ये बहुत ही अनोखा प्रोसेस है अपने आप में। अगर आप कभी भी, मतलब अगर आपको इसे गूगल पे सर्च करना है तो आप इमेजेस सर्च कर सकते हो जहां पे आप सर्च करना कि न्यूक्लियर, जब जैसे हम जब न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करते हैं, तो जहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, क्योंकि एक साथ ही जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहां पे बहुत सारी हीट भी निकलती है और इन पत्थरों के ऊपर प्रेशर भी पड़ता है, तो वो जो सडन हीट और प्रेशर के कारण ना ये पत्थर जहां पे भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं वो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे बहुत सारा कांच तोड़ा हो, पर कांच तो था ही नहीं वहां पे। तो होता क्या है कि वहां पे जो पत्थर थे वो सारे ग्लास बन चुके होते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ चुके होते हैं, ठीक है? तो ये जो पत्थर अर्थ की ये जो अंदर की लेयर्स हैं ये क्रिस्टल के टाइप में, ये ग्लास के तौर पे दिखती हैं। ग्लास क्या होता है, क्यों ऐसी हैं, क्योंकि ये आपस में बहुत, ग्लास जो होता है ना बहुत टाइटली पैक हो सकता है, तो ऊपर वेट के कारण और प्रेशर के कारण ये आपस में बहुत टाइटली पैक हो गए और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गए, ठीक है? अब इसके बाद जो यूनिक लेयर आती है वो है आपकी एस्टिनोस्फीयर। एस्टिनोस्फीयर क्या, देखो अब सेंटर ऑफ द अर्थ से एस्टिनोस्फीयर तक आते हुए, इस साइड थोड़ा सा गंद पड़ गया तो मैं यहां तक आ जाता हूं, एस्टिनोस्फीयर की लेयर तक आते आते देखो डिस्टेंस बहुत हो गया, पर अभी गर्मी इतनी कम नहीं हुई है कि चीजों को मेल्ट ना कर सके। गर्मी तो बिल्कुल ऊपर तक भी आती है पर सिग्निफिकेंटली काफी कम हो चुकी है। पर दूसरी साइड पे ऊपर जो लेयर जितनी बची है, देखो ऊपर, इससे ऊपर तो सिर्फ 150 किलोमीटर की लेयर बची है, तो ना वेट ज्यादा बचा है पर नीचे से अभी गर्मी आ रही है, वेट नहीं बचा इतना पर गर्मी नीचे से आ रही है। अब ज्यादा अगर गर्मी होती तो ये पूरी तरीके से पिघल जाती, पर क्योंकि गर्मी का एंगल भी बहुत दूर है इस कारण ये जो है ना ये एक सेंटर पॉइंट में आ जाती है, ना ये सॉलिड रहती है और ना ये लिक्विड रहती है, ये एक सेंटर पॉइंट आ जाता है, प्लास्टिक बन जाती है। अब प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि देखो प्लास्टिक की दो प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप कभी भी किसी भी प्लास्टिक चीज को मोड़ने लगोगे आप देखते हो ना उसमें व्हाइट व्हाइट सी लाइंस आ जाती हैं, वो खिंच भी जाता है और प्लास्टिक के साथ साथ इसके अंदर इलास्टिक की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, इलास्टिक की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। इलास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे ही उस जोर को छोड़ोगे वो, मतलब अगर आपने इसे मोड़ा तो ये मुड़ जाएगा, ये पूरे यहाँ पे पत्थर बहुत ही अनोखा टाइप है, यहाँ पे जो पत्थर है ना, पत्थर नॉर्मल पत्थर जैसे हम देखते हैं, पत्थरों को हम हिला भी नहीं पाते, पर यहाँ पे अगर आप पत्थर को पकड़ के खींचोगे तो ये पत्थर खिंच जाएंगे, अगर इन पत्थरों को छोड़ोगे वो वापस आ जाएंगे अपनी फॉर्म में, पर वो खिंचाई के वो जो चीज है कि स्ट्रेच हुए थे उसके निशान रह जाते हैं, जैसे प्लास्टिक की अगर आप बोतल मोड़ोगे उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सी लाइनें रह जाती हैं, इस पत्थर के ऊपर भी, तो पता चल जाता है कि हाँ ये पत्थर कहीं मुड़ा था, कुछ हुआ था। इस तरीके से इन पत्थरों के ऊपर ये प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी लेयर एक तरह से सेमी मोल्टेड लगा लो, कुछ कुछ पिघली हुई है। तो इसके कारण क्या होता है कि देखो इसके ऊपर ये, यानी कि यहाँ पे अर्थ पे एक ऐसी लेयर आ गई जिस जो सेमी मेल्टेड है,
इसके ऊपर ये जो 150 किलोमीटर है, यानी कि एक तरह से ये जो 150 किलोमीटर है ये इसके ऊपर एक तरह से तैर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में सेमी मॉल्टेड है, तो अगर इनमें इतना जोर होता ये डुबा के नीचे तक चले जाते, पर ये चीज इसके ऊपर तैर रही है। तैर क्यों रही है, मतलब ये चीज अगर आपकी सेमी भी मॉल्टेड है, अगर थोड़ा सा भी पानी है तो इसे दबा क्यों नहीं रही वो। वेट तो 150 किलोमीटर में भी बहुत होगा, 150 किलोमीटर की सरफेस में भी बहुत वेट होगा। बात ये है कि ये अपने आप में डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। ये लिक्विड उससे ज्यादा डेंस है, थिक है, विस्कस है, इसके कारण वो उसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब अगर एस्टिनोस्फीयर की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि अगर मैं पानी के ऊपर लकड़ फेंक दूं, लकड़ तैरेगी, लकड़ क्यों नहीं दबा पाती पानी को, पानी चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो उसके ऊपर ही लकड़ होगी। क्यों लकड़ बिल्कुल जमीन को क्यों नहीं टच कर देती, पानी को आसपास क्यों नहीं फेंक देती, क्योंकि आपका जो पानी है, पानी अपना डेंसिटी उसकी ज्यादा है लकड़ से, इस कारण वो उसके नीचे रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ऊपर वाली जो आपकी सरफेस है इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये जो सरफेस है इसके ऊपर, ये आपकी सरफेस पूरी पूरी फ्लोट कर रही है एस्टिनोस्फीयर के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपकी ये सारी लेयर एग्जिस्ट करती है। इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी था कि किस तरीके से आपकी सारी सरफेस एग्जिस्ट करती है और कैसे मूव करती है। अब ये जो सारी की सारी डिटेल है, 6378 किलोमीटर जो है हमारा जो रेडियस है, ये सारी लेयर जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे हमें पता ही कैसे है। देखो आज तक ऐसा नहीं है कि हमने खोद के देखा, आज तक जो सबसे बड़ा इंसान खड्डा कर पाए हैं ना वो 18 किलोमीटर का ही कर पाए हैं, तो वो पहली लेयर भी नहीं हम क्रॉस कर पाए। 18 किलोमीटर बाद हमारे इक्विपमेंट या तो बेकार हो जाते हैं या बहुत ही महंगा पड़ता है ये खोदना, इस कारण खुदाई करना कोई वर्थ नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि अर्थ के अंदर है क्या। अगर उसके पीछे ही बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाए वो कोई वर्थ नहीं है, और कोई देश खर्च भी नहीं सकता, अमेरिका भी नहीं खर्च सकता। इस कारण सबसे बड़ा खड्डा आज तक हमने 18 किलोमीटर का किया, बस उससे आगे रुक गए, ठीक है, कि इससे ज्यादा पैसे इस चीज के ऊपर नहीं लगाएंगे, और भी तो चीजें करनी है। तो इस तरीके से ये चीज, अब इससे आगे बढ़ते हुए अब इन चीजों को अब देखो, फिर अगर हमने आज तक खड्डा नहीं खोदा तो हमें पता कैसे है कि अर्थ के अंदर है क्या, ये कैसे हमें पता। सो बेसिकली इसके दो हमारे सोर्सेस पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है अर्थ के अंदर है क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें पता कैसे चलता है। एक तो है जब भी आपके वॉल्केनो फटते हैं, वॉल्केनो आपकी बहुत डेप्थ से आते हैं, ये जितनी डेप्थ से आ रहे हैं ये अपने साथ जो मटेरियल लेके आ रहे हैं ना उसके कारण हम पढ़ पाते हैं कि अच्छा अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल है, इससे इस मटेरियल बारे हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल है। तो जहां से फट रहे हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये चीज ऐसे, कहां से फट रहे हैं, कैसे फटते हैं, वो मैं अभी शॉर्टली इसी लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। इससे अगली चीज है आपके अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनता है अर्थ को पढ़ने का, क्योंकि अर्थक्वेक है क्या कि अर्थ शेक कर रही है, अर्थ शेक करेगी तो अर्थ के अंदर भी तो वेव्स ट्रैवल करेंगी। अगर सारी अर्थ बिल्कुल सेम बनी होती, सारी जगह पे वेव फैलने की स्पीड बराबर होती। अब अगर सारी जगहों पे वेव्स फैलने की स्पीड अलग अलग है, कई जगहों पे हमें वेव्स मिलती भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये अर्थक्वेक नहीं पहुंच रही है, कुछ अलग लेयर से ट्रैवल कर रही है। तो हमें ये अर्थ के ऊपर बेसिक आइडिया लगाने के ऊपर हेल्प करती हैं। फिर हम फिजिक्स लैब के ऊपर जाके अलग अलग एलिमेंट्स को टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है। इस तरीके से रिसर्च कर करके हमने पता लगा लिया है कि अर्थ सर्फेस अंदर से कैसी दिखती है, ठीक है। तो ये चीज, अब एक जनरल चीज पढ़ने के लिए जो हमने अभी सबसे पहले जो लेयर्स पढ़ी थी आपकी, अब हमने ये तीन लेयर्स को एक साथ सबसे पहले स्टडी करना है, एस्टिनोस्फीयर, अपर मेंटल और क्रस्ट। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों लेयर एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो यानी कि जो एस्टिनोस्फीयर है, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी सेमी मॉल्टेड है, इसे मैंने यहाँ पे इसलिए इसे लाल में बना दिया, ठीक है।
इसके ऊपर हम, ये लेयर पर्पल में नहीं दिखती, बस अलग रंग देने के लिए इसे मैंने पर्पल में कर दिया है। तो यहाँ पे ये अपर मेंटल और क्रस्ट एक तरह से इस लेयर के ऊपर एक सिंगल ब्लॉक बन के, ये अगर मैं इसे सिंगल ब्लॉक मान लूं, एक सिंगल ब्लॉक बन के इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब इस तैरने के कारण क्या होता है, देखो अब अर्थ की गर्मी जो थी, जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से गर्मी जनरेट हो रही है, कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रहे हैं, वो करंट्स और वो गर्मी अभी भी जाके ठंडी नहीं हुई है। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होगी, देखो एक पहले एक घरेलू एग्जांपल देते हैं आपको, कुकर का एग्जांपल ले लो। अब कुकर के ऊपर हमेशा सीटी लगी होती है, विसल लगी होती है, वो विसल का क्या काम है, जब कुकर को आप गैस के ऊपर रखते हो, कुकर लगातार गर्म होता जा रहा है, उसके अंदर गर्मी पैदा होती जा रही है, ठीक है, स्टीम पैदा होगी, सब कुछ पैदा होगा। जब स्टीम कुकर की कैपेसिटी से थोड़ी सी भी ज्यादा होने लगेगी ना, वो सीटी के थ्रू निकलनी शुरू हो जाएगी, ताकि कुकर फिर से एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए, जो होल्ड कर सकता है जितना वो प्रेशर, उस लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो आपकी इसलिए सीटी बच पड़ती है। अब अर्थ एक बंद कुकर की तरह लगा लो, पूरा बंद हुआ पड़ा है, बिल्कुल सेंटर में आपके एक तरह से, क्योंकि हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो एक तरह से आग ही लगी हुई है, तो बिल्कुल सेंटर से आपकी गर्मी सारी बाहर निकल रही है। कुछ लेयर्स अपनी वेट के कारण सॉलिड रह पाती हैं, कुछ आपकी पिघल जाती हैं, कुछ आपकी प्लास्टिक बन जाती हैं, पर अपने आप में गर्मी थोड़ी खत्म हुई, तो अंदर तो लगातार हीट जनरेट होती जा रही है। ऐसे तो एक टाइम पे इतनी हीट जनरेट होगी कि आपका सारा प्लैनेट ही फट जाए। तो अर्थ ने अपने खुद का एक सीटी का, एक विसल का सिस्टम बनाया। अर्थ ने इसके बाद क्या किया, मतलब यहां पे हुआ क्या है, ये जो एस्टिनोस्फीयर जो सेमी मॉल्टेड है, ये जो सेमी मॉल्टन स्टेट में है, आधी पिघली हुई है आधी सॉलिड है, इसने क्या किया है, यहां पे इस प्रेशर के कारण ना ये ऊपर वाली सरफेस के अंदर दरारें ला दी है, इसे तोड़ दिया है। तोड़ने से क्या हुआ है, ये अब अलग अलग ब्लॉक बन गए, ये एक अलग ब्लॉक बन गया, ये एक अलग ब्लॉक बन गया। इसके बाद यहां से एस्टिनोस्फीयर ने ये जो आपके पिघला हुआ मटेरियल था, इसी दरारों के बीच में से, क्योंकि नीचे से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर के कारण ये जो पिघला हुआ मटेरियल है वो यहां से बाहर निकलता है। इसे ही हम कहते हैं आपका मैग्मा। मैग्मा कभी भी देखोगे बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि वो सेमी मॉल्टेड है, सेमी पिघला हुआ है, पूरी तरह पिघला नहीं हुआ, ठीक है। तो वो बस ऐसे अर्थ के अंदर से यहां से फट के आता है, क्योंकि अर्थ अपना प्रेशर अभी भी लगा रही है, ये यहां से सारा प्रेशर यहां से बाहर आएगा और यहां से ये वॉल्केनो ऐसे फटने शुरू होते हैं। जब ये अर्थ के ऊपर, देखो मैग्मा होता है जब वो अर्थ के अंदर होगा, जब वो अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर जहां पे हम रहते हैं यहां पे फ्लो करना शुरू करते हैं ना, इसी मैग्मा को सरफेस के ऊपर लावा बोला जाता है। चीज सेम है, यहां पे मैग्मा यहां पे लावा, इस तरीके से फट के यहां पे फैलना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका दोनों साइड पे फैल गया। अब बाद में यही वाले जो यहाँ पे ये जिस तरीके से फटा है, बाद में यही लावा यहाँ पे सॉलिड होता जाता है धीरे धीरे, और आपके पहाड़ बनने लग जाते हैं, जिन्हें हम वॉल्केनिक माउंटेन्स कह देते हैं। देखो जो जिन कभी भी आप वॉल्केनोस को देखोगे ना, वॉल्केनो के आसपास पहाड़ बना होता है, वो ऐसे पहाड़, ऐसा नहीं था कि पहले पहाड़ था फिर वॉल्केनो फट गया उसमें से, ठीक है, होने को ऐसे भी हो सकता है, पर ज्यादातर जो बने हैं ना धीरे से, एक बारी ब्लास्ट हुआ उसने थोड़ा सा बनाया होगा आसपास अपने पहाड़, फिर और ब्लास्ट हुआ उसने उसके ऊपर बनाया, फिर और लावा निकलता गया, एक एक करके उन्होंने ऐसे लेयर बना बना के इतना पहाड़ बना दिया है, जिसके बिल्कुल सेंटर में जब भी हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर में आपके लावा दिखता है, ठीक है। जैसे यही जो मैंने इससे पहले आपको फोटो दिखाई, यहाँ पे ये सारी की सारी ये पहाड़ देखो, ये हर बारी ऐसे फटेगा यहाँ पे, ये बाहर नई नए पत्थर यहाँ पे जमा देगा, तो ये पहाड़ पहले से थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तो हजारों लाखों करोड़ों सालों में ये पहाड़ ऐसे करके बने हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये फट फट के ऐसे बाहर करके निकले हैं, तो इसके कारण अर्थ अपनी जितनी एक्सेस गर्मी है ना वो भी निकाल पाती है। इसी के कारण अर्थ जो है वो आपकी फटती नहीं है,
अर्थ आपकी फटेगी नहीं। और ऊपर ये जो ब्लॉक बन गए हैं, ये ब्लॉक इस कारण नहीं डूबते, अभी तक के जो दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, ये ऊपर वाले ब्लॉक्स इसलिए यहाँ पे नहीं डूबते हैं क्योंकि एस्टिनोस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है, एस्टिनोस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है, इनकी डेंसिटी उससे कम है, ये सारी लेयर्स डेंसिटी के वाइज है, तो ये चाहे पिघली भी हो, सेमी मॉल्टेड भी हो, इसके ऊपर दबाव जरूर डालेगी, पर इस दबाव के कारण ये मैग्मा ही और ऊपर को आएगा, ये कभी इसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये ज्यादा डेंस लेयर है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी लेयर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसके कारण आपकी कुछ इस तरीके की फिगर बन जाती है, जहां पे ये आपकी सारी की सारी एस्टिनोस्फीयर और इसके ऊपर ये आपके अपर मेंटल, ये आपकी क्रस्ट होगी, इस तरीके से आपके अलग अलग ये लेयर्स बन गया, अपर मेंटल क्रस्ट ये सारे। तो इस तरीके से ये आपके एक तरह से ब्लॉक की तरह एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। देखो ये एस्टिनोस्फीयर के ऊपर ये जो जुड़े हुए ब्लॉक्स बन गए, क्रस्ट और अपर मेंटल को जोड़ के ये एक सिंगल ब्लॉक बन गया, इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं ये है आपके टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब होता है ये जो ब्लॉक बन गया है जो एस्टिनोस्फीयर के ऊपर एक तरह से तैर रहा है। अब तैरने के कारण क्या होगा, देखो मतलब क्योंकि इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, देखो सॉरी, जब भी आपकी एस्टिनोस्फीयर के अंदर से मैग्मा बाहर आएगा, जैसे अगर मैग्मा प्रेशर से ऐसे बाहर आता है इन दोनों के बीच में से, ये मैग्मा क्या करेगा, इन दोनों अपना रास्ता ऊपर को बनाने के लिए ये इन दोनों लेयर्स, दोनों जो आसपास प्लेटें हैं, एक ये ब्लॉक हो गए एक ये ब्लॉक हो गए, इन दोनों को साइड को धक्का मारेगा ना। जब ये दोनों एक दूसरे मतलब ऐसे साइड को धक्का मारा, अगर ये कोई सरफेस से जुड़ी हुई थी, नीचे से मैग्मा आया, मैग्मा ने रास्ता खोल दिया, ये दोनों साइड को चले जाएंगे ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जाने को कहते हैं डाइवर्जेंट। और ये जो, क्योंकि अगर इन्हें आप टेक्टोनिक प्लेट कहोगे, इन दोनों के ये जो कॉर्नर्स हो गए, ये बन गई आपकी प्लेट बाउंड्रीज। तो आपकी प्लेट बाउंड्रीज वैसे तो तीन टाइप की होती हैं, पर अभी एनसीईआरटी लेवल पे हम दो पढ़ेंगे और उनका भी अभी बेसिक ही पढ़ेंगे। वो है आपकी एक तो डाइवर्जेंट, यानी कि जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो दो ब्लॉक्स एक दूसरे से दूर चले गए, ठीक है। और अगर ये कोई ब्लॉक एक दूसरे से दूर जाते हैं तो कोई ना कोई, जैसे यहां से भी अगर मैग्मा निकला और वहां से भी मैग्मा निकला, ये ब्लॉक इस साइड को आएगा, ये ब्लॉक इस साइड को आएगा, ये दोनों आपस में आके टकरा जाएंगे ना, ये सारा एरिया बंद हो जाएगा, ये आपस में आके टकराने लगेंगे। जहां पे ये प्लेट, देखो एक साइड से अगर इन्हें लार्ज स्केल ऐसे ब्लॉक्स मान के चलोगे, लेट्स सपोज ये दो ब्लॉक एक दूसरे से दूर गए, इस साइड पे जो ब्लॉक होगा उससे तो जाके ये टकराएगा ही ना, मतलब ये नहीं भी हिल रहा, ये ब्लॉक तो इसके अंदर आके टकराए, तो यहां पे ये जहां पर टकराएंगे वो है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पे ये एक दूसरे से दूर जाएंगे वो है डाइवर्ज। डाइवर्ज करने का मतलब ही होता है दूर जाना, कन्वर्ज करने का मतलब होता है मिलना। तो इस तरीके से आपकी अर्थ सरफेस कहीं से टूट रही है, जहां से आपके मैग्मा बाहर आ रहा है, कहीं से आपकी अर्थ सरफेस एक दूसरे में आके जुड़ रही है, जिससे आपका मैग्मा जो है वो मतलब उसका रास्ता बंद हो रहा है, पर ये आपस में आके जब टकराएंगे तो ये दोनों सर्फेसेस मतलब ये इतने आराम से आके नहीं टकराते, क्योंकि अगर 150 किलोमीटर की ये लेयर है पूरी डेप्थ में तो इसका वेट भी बहुत होगा, और जब ये टकराते हैं तो ये बहुत जोर से। देखो ये दोनों ही केस में, जब भी आपकी चाहे प्लेट दूर जा रही है, जब भी आपकी प्लेट आपस में टकरा रही है, यही कारण बनता है आपके अर्थक्वेक्स के आने का। अर्थक्वेक्स यही होता है जब आप, जब भी आपकी ये प्लेटें हिलेंगी, किसी भी साइड को हिले, दूर जाएं पास आएं, वो आपकी अर्थ को हिलाएंगी, और सारे की सारी इसीलिए अर्थ को एक अक्कर होते हैं। अब दुनिया में ऐसी ये जो है आपके, जैसे वॉल्केनो फट रहे हैं, कहीं प्लेटें टकरा रही हैं, हमने सारी दुनिया में इनके भी नक्शे बना लिए, दुनिया इस तरीके से दिखाई देती है। ये देखो आपकी अलग अलग प्लेटें यहाँ पे बन चुकी हैं, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका की सारी प्लेट, ये देखो नॉर्थ पोल, यहां से जाके ये सारी की सारी इस तरीके से ये प्लेट है, ठीक है। अब इसमें ये जो स्प्रेडिंग सेंटर में लिखा हुआ है यहाँ पे, स्प्रेडिंग सेंटर का मतलब है कन्वर्ज डाइवर्जेंट, जो दूर जा रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है।
एक्सटेंशन, दूसरा आपका मतलब अभी बाकी सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रल क्या होता है, सिनेस्ट्रल क्या होता है, ये आपकी मेन ज्योग्राफी की चीजें, ये मैप वहां पे भी आएगा। अभी जो दो चीजें समझनी है, दूसरी है आपकी कोलिजन जोन। कोलिजन जोन का मतलब है कन्वर्जेंट, जहां पे आके ये आपस में आके टकरा रहे हैं। तो अगर इन दोनों रंगों को देखोगे तो ये देखो यहां से ये नाज़का प्लेट को देखो, यहां से इसका ये जो रंग है ये स्प्रेडिंग सेंटर है, यानी कि यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है ये दूर जा रही है, यहां से ये नाज़का प्लेट इस साइड को आ रही है, ये दोनों इस साइड को दूर को मूव कर रही है। नाज़का प्लेट के इस साइड को मूव करने के कारण क्या है, ये जो साउथ अमेरिका, ये देखो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट भी यही पड़ता है, ये प्लेट आके साउथ अमेरिका के बिल्कुल कोने पे आके टकराती है, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन भी, ये देखो ये कोलिजन की बाउंड्री यहाँ पे बनाई हुई है, और ये सबडक्शन बाद में बना, सबडक्शन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो हम पढ़ेंगे अभी सबडक्शन आगे जाके। यहाँ पे जाके ये प्लेट यहाँ पे टकराई है इससे, तो ये प्लेट यहाँ पे खड़ी हुई थी देखो, क्योंकि ये अफ्रीका की प्लेट ये साइड को जा रही है, ये देखो फिर से आपकी स्प्रेडिंग की बाउंड्री, यानी कि अफ्रीका इस साइड को जा रहा है और साउथ अमेरिका इस साइड को जा रहा है, ये दोनों प्लेटें ऐसे मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे जाके ये एरिया पे जाके नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट ये दोनों यहाँ पे टकराती हैं। ये जो टकराएंगी यहाँ पे, इसके कारण ये आपस में आके ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बन गई, और जहां जहां ये दूर जा रही है, जैसे ये एरिया हो गया और ये भी एरिया हो गया, ये आपकी डाइवर्जेंट दूर जाने वाली एरिया। ऐसे ही आप सारे एरियाज को देख सकते हो, कोई ना कोई एरिया यहाँ पे या तो टकरा रहा होगा या दूर जा रहा होगा, ठीक है। इंडिया की प्लेट यहाँ से दूर जा रही है, सोमालिया की प्लेट इस साइड को जा रही है, और इंडिया की प्लेट यहाँ आगे जाके एशिया की प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे इंडिया की प्लेट को, खासकर यहाँ पे इस एरिया पे खास फोकस करेंगे अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं आएगा वो, अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अब देखो, इसी चीज को हम पढ़ें, देखो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस मैप को ध्यान से देखो, ये ज्यादातर जो लाइनें हैं ना, जो एक दूसरे से दूर जाने वाली लाइनें हैं, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ कर दूं इस डायग्राम को, ताकि ज्यादा बेटर आपको दिखाई देने लगे। अगर ये ज्यादातर आप दूर जाने वाली लाइनें पढ़ोगे, देखो मैंने आपको अभी बताया था जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, इससे पहले आपको बताया था, जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मैग्मा वहीं से निकलेगा, लावा जो है मतलब मैग्मा वहां से फटके लावा वहीं से निकलेगा। तो अगर आप इन प्लेट बाउंड्रीज को ज्यादातर देखोगे, देखो जो दूर जाने वाली बाउंड्रीज है ना, ये समुन्द्र के बीचों बीच पड़ रही है। देखो ये नॉर्थ अमेरिका आपका ये रहा, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट ये रहा, अफ्रीका ये रहा, यूरोप ये रहा, इंडिया ये रहा, पर ये देखो ये जो बीच में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में एक दरार है पूरी कंटिन्यूअस, जो एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर ये दूर जा रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहां से बीच में से अगर ये दूर जा रहे हैं तो बीच में से मैग्मा फट के बाहर आता है। सेम चीज बाकी जगहों पे भी देखो, यहां पे भी ये प्लेट, ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन की पूरी बाउंड्री, ज्यादातर बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहां पे भी ये सारी बाउंड्री ऐसे ही है, ठीक है। इसके कारण होता क्या है, पैसिफिक ओशन के साथ हो क्या रहा है और अटलांटिक ओशन में भी क्या हो रहा है, आपके दुनिया भर में, सारी दुनिया में देखो, इंडिया के ओशन, इंडियन ओशन में भी देखो ये रही बाउंड्री, ठीक है, ये नीचे आपके सदर्न ओशन की तरफ भी देखो यहां रही आपकी बाउंड्री, ये सारे ओशन में बाउंड्री घूम रही है, तो यही तो आपके वोल्केनो फटने थे। यही फैक्ट है कि आपके दुनिया के 90% जो वोल्केनो हैं वो समुद्र के अंदर है, 90% दुनिया के वोल्केनो समुद्र के अंदर हैं, वो इसका कारण यही है। देखो हमें नहीं पता चलता, हम समुद्र के ऊपर ट्रैवल भी कर रहे हैं, हमें नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि समुद्र की गहराई, अगर ये मैं पूरा समुद्र मानूं, हमारी बोट इसके सामने कुछ भी नहीं है, नीचे यहाँ पे कोई वोल्केनो फट रहा हो सकता है, और क्योंकि वो किलोमीटर के डिस्टेंस में है, देखो और पानी जितना डेप्थ पे जाओगे, पानी तो माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं, बिल्कुल नीचे वाले एरिया में ओशन में -60 डिग्री -70 डिग्री, तो यहां से जैसे ही लावा फटेगा ये यही ठंडा होके गिरता रहेगा। इसके कारण हमें ऊपर यहां से हमारी शिप पास भी कर रही होगी, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। नीचे इस तरीके से आपके 90% जो वॉल्केनोज हैं वो समुन्दर के अंदर हैं, या समुन्दर के आसपास की प्लेट की बाउंड्रीज बनते हैं। जैसे जो आपका ये पैसिफिक ओशन है,
पैसिफिक ओशन की, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी ज्यादातर ये बॉर्डर जो है वो ना ऐसे ही वॉल्केनो से बनी हुई है, इसी कारण पैसिफिक ओशन की पूरी बाउंड्री को ही, इसकी जो पूरी प्लेट बाउंड्री है उसे रिंग ऑफ फायर कह देते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन के तो चारों ओर ही आग लगी पड़ी है ज्यादातर एरिया में, ठीक है, ऐसा नहीं चारों ओर ही वॉल्केनो है, मतलब ज्यादातर एरिया में उसके वॉल्केनोज ही वॉल्केनोज है पैसिफिक ओशन में, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन है भी गोल शेप में, ठीक है, और इस कारण अगर ज्यादातर जगहों पे वॉल्केनोज हैं तो आपकी रिंग ऑफ फायर बन गया। वैसे ही यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ये सीधी लाइन अटलांटिक ओशन को दो हिस्सों में तोड़ती है, देखो जहां पे भी अब समुन्द्र के अंदर जहां पे भी ये वॉल्केनो फटेंगे ये इस तरीके से फटेंगे, ये देखो वॉल्केनो यहाँ से फटा, इसके कारण ये सरफेस दोनों साइड से उठ गई है, मतलब यहाँ पे देखो लावा फटेगा, लावा आसपास यहाँ पे ठंडा होकर गिरता रहेगा दोनों साइड पे, इस तरीके से आपके ये दोनों साइड पे इस तरीके से लेयर्स बन जाएंगे, इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे इस तरीके से ये आपकी सारी की सारी लेयर बनने लगी, इस साइड को गिर गया, इस साइड को गिर गया, इस साइड को, इस साइड को। अब इसके दोनों साइड पे ये फटने के कारण क्या हुआ, ये साइड को फटा, ये साइड को फटा, आपके ये जो सारी की सारी लेयर है, मतलब ये दोनों साइड को अगर ये आपकी मेल्ट होके गिर रही हैं, होगा क्या, मतलब आपके समुंदर के अंदर ऐसे एक पूरी लाइन बन चुकी है जहां पे लगातार ये वॉल्केनो फट रहे हैं और दोनों साइड पे वो अपना सारा का सारा मटेरियल गिरी जा रहे हैं समुंदर के अंदर, इसलिए यहाँ पे एक सीधी एक पहाड़ों की ना पूरी रेंज बन गई। देखो समुंदर बिल्कुल प्लेन नहीं होता, समुंदर के अंदर इसी तरीके से आपके पहाड़ भी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे अगर ये सरफेस धीरे धीरे वॉल्केनो फट फट के, यहाँ पे भी तो ऐसे ही पहाड़ बना देंगे जिस सरफेस के ऊपर होंगे, तो यहाँ पे फट फट के ठंडे हो के इन्होंने यहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ पे पहाड़ बना दिए हैं इन्हें समुंदर के अंदर बोला जाता है, ये जैसे ये पूरी की पूरी लाइन बन गई है, इन्हें समुंदर के अंदर शॉर्ट में हम लिखते हैं MOR, MOR का फुल फॉर्म है मिड, क्योंकि समुंदर के बीचों बीच है, ओशियानिक रिजेस, रिज रिज का मतलब है हाइटेड एरिया बन गया, तो इन्हें कहते हैं मिड ओशियानिक रिजेस। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस यही हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली देखो यहां से चलती है यहां तक आई, इसके बाद इस साइड को भी चलेगी, इस साइड को भी चलेगी, ठीक है, यहाँ पे इस साइड को ऊपर को चलेगी, इस साइड को चलेगी, यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे चलेगी, यहाँ चलेगी, ये टोटल 28,000 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है जो समुंदर के अंदर ही है। देखो समुंदर कोई भी ऐसे एरिया को कवर कर देगा जो लो लाइंग होगा, जिसकी ओवरऑल हाइट कम होगी, पर अंदर पहाड़ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, बस क्योंकि उनकी एल्टीट्यूड कम था उसके ऊपर पानी आ गया, ठीक है, इस कारण हर फीचर एग्जिस्ट करता है, पहाड़ भी एग्जिस्ट करते हैं, खाइयां भी एग्जिस्ट करती हैं, समुद्रों में सब एग्जिस्ट करता है, बस फर्क ये आता है कि हमें नहीं दिखता, तो सबसे ज्यादा वॉल्केनो भी वहीं पे है, पर वो वॉल्केनो हमें इफेक्ट भी नहीं करते, अच्छी बात है, और दूसरी चीज दिखते भी नहीं है इसी कारण, क्योंकि पानी की डेप्थ अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो इतनी नीचे तक दिखाई नहीं देता। क्लियर है यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसके बाद अब ये इसका एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, देखो मिड ओशियानिक रिजेस जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, आपके समुंदर अंदर से फिर कैसा दिखता है, ये देखो यहां से आपके स्टीनोस्फीयर से वॉल्केनोस फट फट के सारी जगहों पे ऐसे ये रेंजेस बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी यहाँ पे रेंजेस बनी हैं, ये जो आपकी मिड ओशियानिक रिजेस यहाँ पे लिखा है ओशियानिक रिज एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये इस तरीके से आपके बनी है। देखो आप इस लेक्चर को कहीं पे भी पॉज करके, अगर आप कोई भी जैसे पहले भी हमने जितने डायग्राम बनाए हैं उसे वहां पॉज करके आप वो डायग्राम पहले बना सकते हो, ताकि आपके नोट्स में वो चीज रह जाए और फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, या अंडरस्टैंडिंग के बाद जैसे भी आप चाहो वीडियो को आगे पीछे करके आप इस चीज को देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो आपके समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, ये आपके जैसे मैंने अभी आपको बताया मिड ओशियानिक रिजेस, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड पे प्लेट बाउंड्री साइड को मूव कर रही है, बीच में गैप आया, मैग्मा फटा, मतलब मैग्मा बाहर आया, लावा के तौर पर ड्राई अप हुआ, ये सारा एरिया इसी कारण ऊपर को उठ गया, ठीक है,
तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज। अब देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मतलब एक साइड से अगर ये चीज हो रही है, दूसरी साइड पे ये समुंदर की, मतलब ये जो पूरी प्लेट थी, ये यहां पे जाके किसी ना किसी और चीज से टकराएगी, चाहे वो एक और समुंदर की अगली प्लेट हो या एक कॉन्टिनेंट से, जैसे अभी मैंने आपको साउथ अमेरिका का एग्जाम्पल दिखाया था, ये प्लेट उसके साथ जाके टकराएगी। देखो अगर मैं डेंसिटी में बात करूं ओशंस की और कॉन्टिनेंट्स की, अगर आप इन दो सर्फेसेस को देखोगे, आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हमेशा ऊपर होते हैं कंपेयर टू आपके ओशन फ्लोर से। इसका मेन कारण जो है कि जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये ज्यादा डेंस है, और जो आपके जो आपके ओशंस हैं, उधर लिखना था, आपके जो ओशंस हैं वो ज्यादा डेंस हैं और आपके कॉन्टिनेंट्स से लाइटर है। इसका कारण भी मेनली क्या पड़ता है कि आपके जो ओशंस हैं वो बने हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। कॉन्टिनेंट्स बने हैं सिलिकॉन और मेनली एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन और एलुमिना कह लो या एल्यूमिनियम कह लो, ठीक है, और ओशंस बने हैं आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो इस तरीके से आपके सीमा और सियाल, ये दो आपको याद रखने में पड़ेंगे फिर से फॉर्म्स, क्योंकि इस तरीके से आपके ये चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, क्लियर है। तो आपके जो ओशंस हैं, इसी कारण जब भी, अब होता क्या है, देखो ये चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जब कन्वर्जेंट, जब प्लेट्स आपस में आके टकराती हैं, उनमें क्या होता है। अब ये टकराना अलग अलग मैटर करेगा, आपकी प्लेट क्या ओशन ओशन की प्लेट एक साथ आके टकरा रही है, सॉरी ओशन ओशन की प्लेट आपस में आके टकरा रही है, ओशन कॉन्टिनेंट की प्लेट टकरा रही है, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। देखो प्लेटें तीन तरीके से टकरा सकती हैं, जनरल सेंस अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी प्लेटें तीन तरीके से टकरा सकती हैं, ओशन से ओशन की प्लेट टकरा सकती है, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट की प्लेट टकरा सकती है, और आपकी तीसरी चीज है ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में टकरा सकती है। देखो इन दोनों के केस में क्या होता है, ओशन और कॉन्टिनेंट, जब भी मतलब ओशन ओशन टकराएंगे, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएंगे, इसमें क्या होगा, हमेशा एक चीज नीचे को जाएगी, मतलब सॉरी ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब इन दोनों के केस में दोनों चीजें ऊपर को उठेंगी, एक सरफेस इस साइड से ये भी ऊपर को उठेगी, दूसरी भी ऊपर को उठेगी, सेम चीज इधर हो रही है, ये भी ऊपर को उठेगी, वो भी ऊपर को उठेगी, बस फर्क ये आएगा कि आपकी जो सरफेस ज्यादा पुरानी है, मतलब जो इनमें से ज्यादा ओल्ड है, जो पहले बनी हुई है इनमें से, वो हमेशा दूसरी की थोड़ी सी ऊपर रहेगी, मुड़ेंगी दोनों ऊपर वाली साइड को, दोनों दोनों ऊपर की तरफ को मुड़ रही है, ठीक है। यहां पे भी जो सरफेस ज्यादा पुरानी होगी वो ऊपर को रहेगी, दूसरी वाली उसके नीचे को आ जाएगी, ठीक है। ये मैं अभी आपको दोबारा से कैमरा के ऊपर भी दिखाऊंगा। और दूसरी साइड पे अगर मैं बताऊं ओशन और कॉन्टिनेंट कैसे काम करते हैं, ओशन और कॉन्टिनेंट जब टकराते हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया जो ओशन होता है वो ज्यादा डेंस है और जो कॉन्टिनेंट है वो लाइटर है। इसके कारण क्या होगा, जब ये आपस में टकराते हैं, कॉन्टिनेंट इस तरीके से आपके ओशंस ना इसके नीचे को दब जाते हैं, ओशंस कॉन्टिनेंट के ऐसे नीचे को दबने लग जाते हैं, पर दबते हुए, क्योंकि देखो यहाँ पे ओरिजिनली तो यहाँ कॉन्टिनेंट होगा, तो यहाँ पे दोनों में रगड़ पैदा होगी, रगड़ के कारण ये दोनों साइड पे एरिया टूटने लग जाता है। इसके कारण यहाँ पे ये सारी चीजें टूटने कारण ऐसे यहाँ पे खाइयां सी बन जाती हैं, तो समुन्द्र के अंदर ऐसे खाइयां बन जाती हैं, जब एक साइड पे कॉन्टिनेंट होता है और एक साइड पे आपका ओशन होता है, और ओशन इस साइड से आया, कॉन्टिनेंट इस साइड से आया, दोनों टकराए आपस में, कॉन्टिनेंट की सरफेस नीचे को मुड़ जाएगी, ओशन की सरफेस नीचे को मुड़ जाएगी, कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे जो खाइयां बन जाती हैं, इन खाइयों को कहते हैं ट्रेंच, ठीक है। ये अभी सब कुछ मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। यहाँ पे जितना भी मटीरियल अंदर गिरता रहता है, जैसे ओशन से कोई भी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे आगे को बढ़ती हुई, क्योंकि स्लांट है, यहाँ पे गिरती रहेगी, कॉन्टिनेंट से भी कुछ भी आके यहाँ पे गिरता रहेगा, ये सब कुछ अल्टीमेटली जाके आपका ये जो है, जो ट्रेंचेस होते हैं, एक डेप्थ पे जाके ये नीचे एस्टिनोस्फीयर से जाके कनेक्ट होते हैं।
ठीक है, तो ये एस्टिनोस्फीयर से जाके फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे पिघल जाता है सारा मटेरियल और फिर से एस्टिनोस्फीयर का हिस्सा बन जाता है। तो ये अर्थ की एक तरह से रिसाइकलिंग भी बन जाती है, एक जगह से एस्टिनोस्फीयर से आपके वॉल्केनो जो फटेंगे जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां से आपकी मिट्टी ट्रैवल करना शुरू करेगी, पुरानी सरफेस सब कुछ एक जगह जाके जहां पे ये दबने शुरू होंगे, इन इलाकों को बोला जाता है जहां पे ऐसे ओशंस कॉन्टिनेंट के नीचे जाते हैं, ये एरियाज होते हैं आपके सबडक्शन जोन, सबडक्ट हो रहे हैं, नीचे को जा रहा है। यहां वाले एरिया पे ये जो सारी मिट्टी है ये यहां से नीचे को जानी शुरू होगी, एक पॉइंट पे ये पिघलनी शुरू हो जाएगी और ये फिर से एस्टिनोस्फीयर का हिस्सा बन जाएगी। तो ये पूरा ऐसे एक रिसाइकलिंग चलती है, तो आपकी मिट्टी इस तरीके से अपने आप को लगातार रिसाइकल करती रहती है, ठीक है, कि एक साइड से बाहर आएगी वॉल्केनो, समुद्र के अंदर वॉल्केनो फटे, समुद्र के अंदर पानी के साथ मिट्टी लगातार मूव करती रही, ट्रेंच के अंदर गई, खाइयों के अंदर गई, वहां से फिर से। तो इस पूरे डायग्राम को देखोगे, देखो यहां से जैसे आपके ये सारी जगहों से आपके फट के बाहर आया, यहां से मिट्टी आगे आगे मूव कर रही है, ये इस साइड पे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की जैसी बाउंड्री आती है देखो समुद्र इससे नीचे को, समुद्र का जो नीचे लिथोस्फीयर है क्रस्ट है वो इससे नीचे को दब जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर रहती है, ओशियानिक क्रस्ट नीचे चली जाती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से और ओशियानिक क्रस्ट बनी हुई है आपकी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, इस कारण ये नीचे को दब जाती है क्योंकि ये ज्यादा डेंस है और यहाँ पे पिघल के फिर इसका हिस्सा बनने लग जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से आपकी लगातार आपकी अर्थ के ऊपर मोशन होता रहता है, पुरानी मिट्टी नई मिट्टी के साथ रिसाइकल होती रहती है। तो इस तरीके से ये बाकी ओशंस कैसे बनते हैं ये बाकी मेन ज्योग्राफी में जाके वहां पे कवर करेंगे। अब इससे आगे ये देखो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एक डिटेल डायग्राम, यहां पे इस तरीके से समुद्र की प्लेट जो ओशियानिक क्रस्ट है वो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे दबकी जो बनी हुई थी सियाल से, ये बनी हुई थी सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और एलुमिना या एल्यूमिनियम जैसे भी कहना चाहो, ठीक है, ये नीचे को दबकी, ये नीचे आपका एस्टिनोस्फीयर का एरिया आ गया, यहां पे ये पिघलनी शुरू होगी होगी और बस इसका पार्ट बनती गई है। क्लियर है? और ये आपको एक तरह से अर्थ क्रस्ट एक बार क्लियर करने के लिए ये डायग्राम, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये दो लेयर्स आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल जो है, ठीक है, ओशियानिक मेंटल और ओशियानिक क्रस्ट ये दोनों करके यहाँ पे लिखी हैं, इन दोनों लेयर को आप देखोगे ये देखो ये सारी लेयर कॉन्टिनेंट्स के नीचे दब जाती हैं, ये है आपकी कॉन्टिनेंट, तो ये आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट ऊपर को ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं आएगा, ये सॉरी ओशियानिक क्रस्ट नहीं आएगा, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी मिस्टेक है, क्लियर है, ये यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंटल मेंटल लिखा है इस लेयर को, ये कॉन्टिनेंटल, ये ओशियानिक वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आएगा, ये दोनों आपकी और पानी के नीचे है, ये दोनों आपकी ओशियानिक क्रस्ट और ओशियानिक मेंटल और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल मेंटल जो अपर मेंटल हमने लेयर पड़ी थी, तो इस तरीके से ये दफन होती है। यहाँ पे ये देखो ये खाई बन गई, ये खाई को हम कहते हैं ट्रेंच, यहाँ पे आपका सारा सारा मटेरियल गिरता जा रहा है धीरे धीरे, वो आपका एस्टिनोस्फीयर का हिस्सा बन जाएगा, एस्टिनोस्फीयर का जो मैग्मा है वो जमीन के ऊपर भी फट सकता है, तो आपके वॉल्केनो जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल देने के लिए बस, ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम। अब देखो कॉन्टिनेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, देखो कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं होता कि जहां पे अगर आप समुद्र के किनारे जाते हो, अगर आप यहाँ पे ये समुद्र के किनारे गए हो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपको यहाँ से ये पानी दिखना शुरू हो जाएगा ये सारा का सारा, पर ऐसा नहीं है कि समुद्र यहां से शुरू हो जाता है, ये सिर्फ समुद्र का पानी ओशियानिक वाटर यहां तक आया हुआ है, जो जमीन है ना जो कॉन्टिनेंट है वो इसके अंदर धीरे धीरे देखो डिप आता जाता है, जैसे ही मैंने आपको बताया जैसे ही एल्टीट्यूड कम होगा आपकी हाइट कम हो जाएगी लैंड की, पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही कॉन्टिनेंट की हाइट कम होनी शुरू हुई पानी आगे तक आ गया,
ये जो पूरा एरिया है जो यहाँ पे ये चलता रहता है, ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक भी चलता रहता है। मतलब ये इतना भी कम डेप्थ नहीं होती, ये कुछ किलोमीटर्स की डेप्थ होती है, ठीक है, 2 या 3 या 4 किलोमीटर तक बस होती है, इतनी को डेप्थ होती है यहाँ पे, ठीक है। ये डेप्थ तो क्योंकि अपने आप में 16 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है, अगर मतलब ट्रेंचेस को गिनोगे तो इस तरीके से, ये काफी गहरे समुद्र है। यहाँ पे ये 200 किलोमीटर विड्थ तक भी होता है, यानी कि जहां पे आपको समुंदर की बाउंड्री दिखनी शुरू होती है, कॉन्टिनेंट वहां पे खत्म नहीं होता है। कॉन्टिनेंट उसके बाद जो एरिया आता है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आप जहां से थे वो एरिया धीरे धीरे डिप ले जाता है और ये आगे को चलता जाता है, इस पूरे एरिया को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक पॉइंट आएगा जहां पे कॉन्टिनेंट अब खत्म होने वाले होंगे, वहां से कॉन्टिनेंट नीचे को और ज्यादा डिप होंगे। ये जो ऐसे नीचे को स्लांट आती है इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फाइनली कहीं जाके आपका कॉन्टिनेंट खत्म होगा, ये आपके यहीं पे आपकी खाइयां बनती होती हैं इन दोनों के बीच में। इस साइड पे ओशियानिक क्रस्ट आ गई, इस साइड पे आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी, ये दोनों के बीच में बाउंड्री बन गई। यहाँ पे जहां पे बस ओशन की जो कॉन्टिनेंट की जो स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग को आपकी कॉन्टिनेंटल राइज कह देते हैं, और इस साइड जो ओशियानिक क्रस्ट की बिल्कुल प्लेन सर्फेस होती है इसे एबिसल प्लेन कह देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड सी यू।